छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन पर गुरुवार रात में लावारिस हालत में एक 7 साल का मासूम बच्चा घूमता पाया गया, जहां मनेंद्रगढ़ के आरपीएफ ने बच्चे से पूछताछ करने के बाद चाइल्ड लाइन को सौंप दिया है। मनेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन में रात 8 बजे एक बच्चे को लावारिस घूमता देख रेलवे पुलिस ने उसे बच्चे से पूछताछ करने के बाद चाइल्ड लाइन वालों को सौंप दिया, जहाँ चाइल्ड लाइन के द्वारा बच्चे के परिजनों को तलाश किया जा रहा है। वहीं बच्चे ने अपना नाम सुनील बताया और वह पेंड्रा के ग्राम पंचायत खोडरी का रहने वाला था। वहीं चाइल्ड लाइन की टीम ने पेंड्रा संपर्क कर बच्चे के परिजनों को मनेंद्रगढ़ बुलाया गया, जहां मनेंद्रगढ़ पुलिस और चाइल्ड लाइन की टीम ने बच्चे को उसके परिजनों को सौंप दिया है। वहीं अब मासूम सुनील अपने पिता के को देख बहुत खुश नजर आया और बच्चे के पिता ने चाइल्ड लाइन और मनेंद्रगढ़ पुलिस को धन्यवाद दिया। हम लोग रेलवे स्टेशन से सबने कॉल किया, आरपीएफ वाले ने कॉल किया, उनके पास मेरा नंबर था, उन्होंने कॉल किया कि बच्चे को हम लोग अभी 2 मार्च 2018 को रेलवे स्टेशन से एक करीब 10 वर्षीय बालक है जो पेंडर रोड का रहने वाला है, वहाँ पर एक लावारिस हालत में एक बालक के मिलने पर थाना महेंद्रगढ़ को सभी सूचित किया गया है। अभी उक्त सूचना पश्चात बालक को अभी रात्रि होने से यहाँ पर महिला बाल विकास से संपर्क करके और CWC संपर्क करके रुकवाया जा रहा है। इनको कल CWC में प्रस्तुत करके उनका कथन कराया जाएगा, तत्पश्चात बयान के आधार पे और CWC के माध्यम से पूछताछ और कथन के पश्चात में इसमें जो भी आदेश प्राप्त होगा तदनुसार उसमें आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा। परिजनों छत्तीसगढ़ के कोरिया से धीरेन्द्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट।